तो आज फिर से आ गए हम कार स्टेशन, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बेल्जियम आर्लन। आधे रास्ते ट्रेन से जाएंगे, बाकी आधा रास्ता बस से कवर करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आएगी, उसी में बस जाएंगे हम। इस ट्रेन स्टेशन पे उतरेंगे, ट्रेन हमारी आ रही है। यह ट्रेन स्टेशन का नाम, फिर वहाँ से हम बस लेंगे आर्लन जाने के लिए। एक्चुअली हम डीकैथलॉन जाना है हमें, तो इस तरह से जा रहे हैं हम। ट्रेन का व्यू तो आप लोग बहुत बार देख चुके हो। हम यहाँ बैठने वाले हैं। तो TGB और जनरल ट्रेन का डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। TGB में हमें यहाँ टेबल मिला हुआ था, जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पे छोटा सा ट्रे जैसा टेबल है, और TGB में ऊपर का रैक थोड़ा अलग टाइप का था। इसका रैक स्पेस तो सेम लग रहा है मुझे, बस रैक में थोड़ा डिफरेंस है। और TGV में आप देखोगे कि कहीं कहीं आपको बड़ा सा एरिया मिला होगा ट्रॉली लगेज रखने के लिए। यहाँ आप कोट वोट हैंग कर सकते हो, वैसा है। बाहर देखिए, अभी बारिश हो रही है और ट्रेन हमारी जल्दी है। लग्जमबर्ग में यूजुअली वेट वेदर रहता है, बहुत बारिश होती है। मतलब बारिश का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन रिमझिम सी बारिश होती है ज़्यादातर। अभी पहुँचे हैं कपड़ा, और देखिए स्टेशन के बाहर कुछ भी नहीं है, बस ग्रीनरी है। पहुंच गए हैं हम अभी आधे डेस्टिनेशन में। अब यहाँ से निकल के लेंगे बस बाहर जाके। दूर वो क्रिसमस ट्री दिख रही है, डेकोरेटेड, कितनी सुंदर लग रही है वो छोटी वाली। आ गए हम ट्रेन स्टेशन के बाहर, और बारिश और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बस खड़ी है, पर हम इसमें नहीं जाएंगे। दूसरी 250 बस आएगी जिसमें हम जाने वाले हैं। तब तक आप ये व्यू देख लो, हम वेट करेंगे हम बस स्टैंड में। एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, वो वाली 250 में जाना है जो उस तरफ खड़ी होगी, वो हम पहुँचाएगी हमारे डेस्टिनेशन पर। बस खाली है तो इनफ स्पेस रहेगा। यहाँ बैठे अंकल जी, वो भी फोन यूज कर रहे हैं। वेदर बहुत सही है। पांच से सात मिनट में चलेगी ये बस। ये है हमारी बस। मैं ईयरफोन लाना भूल गई हूँ, इसलिए धीरे बात कर रही हूँ। नहीं ठीक है, चलेगा। जल्दी हमारी बस, और जल्द ही पहुंचा देगी हमें हमारे डेस्टिनेशन पे। कितना ब्यूटीफुल लगता है ना, एकदम क्लियर क्लियर। गुडनेस, इतने क्लोज से मैंने कभी विंडमिल नहीं देखा है।
हम जा रहे हैं अब डेकैथलॉन के अंदर। अगर वीडियो बनाने की पॉसिबिलिटी हुई तो मैं अंदर का व्यू भी दिखा दूंगी आप सबको। दैट्स द एंट्रेंस। हाँ, बहुत ही बड़ा है। स्केटबोर्ड्स, ग्लव्स, हमें एक्चुअली कुछ विंटर वेयर लेने हैं यहाँ से। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के प्राइसेस दिखा दे रही हूँ। €50, €25, €90, €100. यहाँ का बिलिंग सिस्टम देखते हैं। ऑटो बिलिंग सेम एज ऑप्शन, मतलब और खुद से बिल कर सकते हैं। Oui, par carte monsieur. Oui, oui. N'importe quelle caisse alors d'accord. Ouais. आप डालते जाओ और ये ऑटोमेटिकली स्कैन करते जाएगा। ये कार्ड काउंटर है, उस तरफ कैश काउंटर्स है। आए थे हम दोपहर को और हो गई है शाम। वो सामने है मैकडॉनल्ड्स। अभी थोड़ा सा कुछ जल्दी से टेक अवे ले लेंगे क्योंकि बस अभी 20 मिनट्स में आने ही वाली है। यहाँ बाहर जब हम के लिए हमने टेक अवे ले लिया है तो जल्दी से खा के बस पकड़ेंगे।